हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने वन नाइट स्टैंड के बारे में। आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि ये बच्चों की नहीं है, तो अगर आप 18 से बिलो हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, और अबव हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं वन नाइट स्टैंड के बारे में। क्या वन नाइट स्टैंड ठीक है या गलत है? मैं दो चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ, आप ही लोग डिसाइड करना कि ये सही है या गलत, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या दूसरा अगर आपकी कोई बीबी है, वाइफ, तो आप मानो आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हो, वहाँ किसी लड़की के साथ आपका अफेयर चलने लगा, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे ये अफेयर थोड़ा सा बढ़ गया, आप उसके प्यार में बहुत ज़्यादा पड़ गए और आप अपनी बीबी को या गर्लफ्रेंड को झूठ बोलने लगे, उससे मिलने के लिए आप अपने गर्लफ्रेंड को या बीबी को झूठ बोल बोल के आप उससे मिलने जाने लगे, और आप एक दिन उसके साथ फिजिकल हो जाते हो, और एक दिन के बाद फिर दोबारा चाहते हो फिर होना। तो अब देखो दोस्त, कंडीशन यहाँ पर आता है, अगर आप फिजिकल हो जाते हो और अपनी बीबी को या गर्लफ्रेंड को झूठ बोल रहे हो इतना दिन से, अब जब वो बात आपकी बीबी को या गर्लफ्रेंड को पता चलती है तब क्या होगा? आपने ये नहीं सोचा, आपने जब उस लड़की के साथ अपना अफेयर चलाया तब आपने बीबी के या फिर गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब आपकी बीबी या गर्लफ्रेंड इस बारे में जान जाती है तब आप सोचने लगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपके साथ लाइफ लॉन्ग कौन चलने वाला है। क्या ये 2 मिनट का खुशी या फिर आपकी ज़िंदगी, आपकी वाइफ, आपकी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी हमेशा? अगर आप उसको दुखी करोगे तो वो भी आपको दुखी करेगी। अगर आप अपने में ही देख लो ना, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो तो आपको मज़ा आता है। आप तो एक अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो और ऊपर से मज़ा मार रहे हो, लेकिन अगर आपकी वाइफ भी ऐसा ही कुछ करती है तो आपको अच्छा लगेगा? आप एक बार सोच के देखो। आपको हर चीज़ का जवाब तभी मिल जाएगा, अपने आप पे मिल जाएगा, कि अगर आप जो चीज़ कर रहे हो आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड वही चीज़ सेम चीज़ करे तो आपको कैसा लगेगा। बस यही आंसर है, आपको जैसा लगेगा उनको भी वैसा लगेगा, ये चीज़ पता होने के बाद। और आप दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो, आप कितनों भी छुपाने की कोशिश करो, कभी ना कभी ये बात सामने आ ही जाती है। किसी कारण से उस लड़की से आपका झगड़ा हो गया तो वो आपको धमकी देगी कि मैं आपकी वाइफ को बता दूंगी, तब आप क्या करोगे? तब आप पूरी तरह से डर जाओगे कि मेरी वाइफ को नहीं पता चलना चाहिए, और क्या होगा, वो लड़की आपको अपनी उंगली पर नचाने लगेगी, वो जो बोलेगी तब आपको वो सुनना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अभी से सुधर जाओ और ऐसा कुछ हरकत करने से बचो। एक और एक बात, दूसरी बात ये आती है आप लोगों के मन में, ये भी सवाल आ रहा है कि अगर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, यानी कि दो लड़का लड़की अगर राजी हैं तो फिर क्या दिक्कत है? सही सवाल है, अगर लड़का लड़की राजी है तो देखो दोस्तों, अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी कोई नहीं है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ कोई नहीं है, तो आप ये कर सकते हो अपने इंजॉयमेंट के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर आपके लाइफ में सीरियसली कोई रिलेशनशिप में आप आ गए हैं तो आप ये सब करने से बचो, क्योंकि उसे काफ़ी चोट पहुंचेगी, काफ़ी हर्ट होगा दिल में, और आपको जो भी वो विश्वास करती थी, जितना भी विश्वास करती थी, वो विश्वास टूट जाएगा। और एक बार अगर दोस्तों रिश्ता में विश्वास टूट गया ना, तो कभी वो विश्वास कर नहीं पाएगी, हमेशा डाउट करते रहेगी। आप कहीं भी जाओ हमेशा उसके मन में यही सवाल आएगा, कहीं वो गलत काम तो नहीं कर देंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप सच्चे में किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप उनका विश्वास कभी मत तोड़ना, उनके विश्वास को हमेशा जगाए रखना, देखना आपको आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में वो बहुत सपोर्ट करेगी और आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसलिए दोस्तों वन नाइट स्टैंड से बचे, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप वन नाइट स्टैंड से बचे, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। बस दोस्तों 2 मिनट की खुशी के लिए आप इतनी बड़ी त्याग कर सकते हो क्या? नहीं ना। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ये बात बुरी लग रही है तो आप अपने में सोच के देखो, अगर आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड ऐसी कुछ हरकत करती है और आपको 6 महीने बाद पता चलता तो आपको आप पर क्या बीतता है,
आप तो सोचते हो मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन आप छोड़ने के बाद भी रह पाओगे? आपका दिल तो वहाँ पे, आप उसे प्यार करते हो, छोड़ने के बाद भी उसे नहीं रह पाओगे, और अपनाने के बाद भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे दिल से, तो सोचो आप बीच का बन जाते हो। वही हाल होता है दोस्तों, जो हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हमारी गर्लफ्रेंड या फिर हमारी वाइफ, जो हम लोगों के घर को संभाल कर रखती है, उन पर क्या बीतता होगा? वो आपको छोड़ भी नहीं सकती है और आपको प्यार कर भी नहीं सकती। आप प्यार करने जब भी आपके पास आएगी तो उसे वो बात का ध्यान आएगा कि वो किसी और के साथ था, तो सोचो उसके दिल में क्या बीतती होगी। इसलिए दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कभी भी किसी से रिलेशन मत बनाओ, रिलेशन बनाओ। अगर आपका ब्रेकअप हो गया, आपके लाइफ में अभी कोई नहीं है, तो आप रिलेशन बना सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रिलेशन बनाना बंद कर दो, लेकिन दोस्तों अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जिस पे सिर्फ विश्वास से टिका हुआ है और वो विश्वास काफ़ी मजबूत है, उस विश्वास को तोड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो विश्वास एक बार टूट गया तो फिर दोबारा जुड़ता नहीं है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आज मैं अपना वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।